गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो भाई, मैं अभी एक $1 का गंदा सा हल्कू। भाई मेरे चश्मे कितने ज्यादा बड़े नंबर के आ रखे, मैंने स्कूल बैग लगा रखे क्योंकि मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ भी काम नहीं करना आता। पर यार ये वीडियो खत्म होने से पहले यार मुझे खुद को कन्वर्ट करना है लॉस सैंटोस के सबसे खतरनाक और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा रिचेस्ट यार हल्क्स में। तो यार ये वीडियो की जर्नी शुरू करते हैं। पर गाइस मैं मेरी कहानी बताना चालू करूं और अपग्रेड होना चालू करूं, उससे पहले यार तुम लोग है ना वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वरना फिर यार मैं ऐसा मोटा सा गंदा सा $1 का हल्की रह जाऊंगा। तुम्हारे लाइक और सपोर्ट के साथ ही तो मैं अपग्रेड हो पाता हूं। तो यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में यार फैट हल्क लिख दो, क्योंकि फैट हल्क को यार होना है बहुत ही ज्यादा अपग्रेड। तो जल्दी जल्दी से यार लिख देना कमेंट सेक्शन में फैट हल्क। तो आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओए होए गाइस, बल्ले बल्ले, देखो स्कूल की तो छुट्टी हो गई यार, फाइनली इतनी ज्यादा पढ़ाई कर ली मैंने। तब यार मुझे यहाँ पे पता चला था कि देखो यार लॉस सैंटोस बीच पे गवर्नमेंट ने क्या मस्त है ना खेलने का कैसल इंस्टॉल किया है। मैं तो यार ऐसे कैसल में खेलने का सपना बचपन से देख रहा था। और यहाँ पे देखो इतने सारे दूसरे हल्क्स भी आए, और यहाँ देखो यार ये वाली स्लाइड वाली गेम भी आई है, बाउंसी हाउस है, इसमें ना हवा भरी हुई होती है जिसमें अपने कूद सकते हैं। मैं तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे जाके खेलूंगा। भाई मुझे पता चला था सारे हल्क लोग यहाँ पे आए, क्या पता यार यहाँ पे मेरी किसी से भी दोस्ती भी हो जाए। गाइस यार अभी मेरा कोई भी दोस्त नहीं है स्कूल में, मेरे से कोई बात नहीं करता यार, मैं मोटा हूँ और थोड़ा सा यार मैं अजीब सा दिखता हूँ ना, इसके लिए सब लोग मेरा मजाक उड़ाते। पर यार यहाँ पे कोई ना कोई तो दोस्त मिल ही जाएगा। हेलो यार ब्लू हल्क फ्रेंड, यार मैं तेरा फ्रेंड नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों बात कर रहा है? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। हेलो गोल्डन हल्क, यार अरे तेरी इतनी औकात मेरे से बात करेगा, चल यहाँ से दफा हो जा। अरे यार ये दोनों तो दोस्ती नहीं कर रहे यार, मेरे से एक काम करता है, यहाँ पे खुद ही अकेले से ही खेल लेता हूँ। अरे तू इसके ऊपर कहे चढ़कर आ रहा है भाई, तू गिर जाएगा यहाँ पे पूरा है ना, फटाका फूट जाएगा। ये देखे एयर कंप्रेसर से इसमें हवा भरी जाती है, इससे उतर जा। अरे 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 क्या हो रहा है गाइस यार, ओए ओए मेरा यार पैर क्यों फिसल रहा है? अरे तू इतना मोटा है यहाँ पे पानी में कैसे चलेगा, चल बाहर जा यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है यार, यहाँ पे तो ये लोग मुझे खेलने नहीं देंगे, चलो गाइस यार इसके बाहर जाता। अरे मेरे को धक्का मार के नीचे गिरा दिया मनहूस ने। अरे मनहूस क्यों बोल रहे यार, कोई बात नहीं। तो गाइस यार देखो यार यहाँ पे मैं जाता हूँ यार, ये वाली देखो कितनी खतरनाक यार मस्त प्ले कैसल है। यहाँ पे देखो इतनी कलरफुल सीढ़ियां यार, यहाँ पे है ना ये वाले घरों में बैठ के बाहर देख सकते हैं, स्लाइड से इतनी सारी फिसल पट्टियां है, और तो और उसके साथ साथ यहाँ पे इतनी सारी चढ़ने कूदने की भी जगह है। चलो चलो यार यहाँ पे जाके इन हल्क से बात करते हैं। हेलो दोस्तों, यार मेरा नाम है ग्रीन हल्क, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने दे दो यार। ओह डू यू वांट टू प्ले विद अस लिटिल ब्रदर? अरे हाँ हाँ लिटिल ब्रदर हूँ यार तुम्हारा, मेरे को मेरे तुम लोग के साथ खेलना यार, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। डू यू नो दिस इज माई फादर्स बीच? क्या तुम्हारे पापा का बीच है ये? हाँ हमारा प्राइवेट बीच है, तुम एक चीज देख रहे हो हमारे में क्या कॉमन चीज है बताओ? रुको गाइस देखने दो यार, ये भी एक हल्क है, 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 मतलब देखो तुम सब में एक कॉमन चीज है यार, तुम सब हल्क हो और मैं भी हल्क हूँ, तो सारे हल्क तो साथ साथ भाई भाइयों की तरह खेल सकते ना। नो नो वन मोर डिफरेंस, जल्दी से देख के बताओ क्या डिफरेंस है। रुको यार देखने दो गाइस, देखो ये गोल्डन हल्क है, ये ग्रीन हल्क है, पर ये तो इनका बॉडीगार्ड लग रहा है। ये है ना पिंक और गोल्ड हल्क है, व्हाइट और गोल्ड हल्क है, ग्रीन और गोल्ड हल्क है, ब्लैक और गोल्ड हल्क है, और यार ये भी थोड़ा इनके बॉडीगार्ड जैसा लग रहा है। तो मतलब ये दो बॉडीगार्ड को माइनस कर दो तो यार ये सारे हल्क के पास है ना गोल्डन टैटू यार, ये गोल्ड के, सही बोला क्या? यस यस बिल्कुल सही बोला, इसका मतलब समझे क्या हुआ? हाँ कि तुम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो इसके लिए तुमने सोने के टैटूज बनवाए और तुम्हारे पास बहुत सारी पावर है ना। यस बिल्कुल सही बोला, क्या तुम्हारे पास सोने के टैटूज है? नहीं सोने के टैटूज तो नहीं है। क्या तुम्हारे पास पावर है बहुत खतरनाक? पावर तो नहीं है यार, पर मैं ऐसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ यार। अच्छा तुम्हारे हिसाब से तुम स्ट्रांग हो, तो एक काम करो ये वाली बोट को मुझे पानी में फेंक के बताओ, अगर इसको फेंक दिया तो हम तुम्हें हमारे साथ खेलने देंगे। अरे क्या बात कर रहे हो यार, इस बोट को थोड़ी कोई इतना दूर फेंक सकता है, बहुत ही ज्यादा भारी है, मैं ये वाले छोटे वाले बॉल को देखो लात मारता। अरे नहीं इसको भी नहीं मारा गया भाई, ये तो बोट नहीं उठा के फेंक सकते, इम्पॉसिबल टास्क है ये तो। इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, ये देखो मैंने इस बोट को उठाया है वो भी एक हाथ से, दिख भी रही है तुम्हें इतनी ऊंची उठा ली है। अरे वाह यार तू तो बड़ा सुपरस्टार है, और ये गाइस देखो इसने सच्ची में उठा के कितना दूर फेंक दी। देखा तुम में कोई शक्ति नहीं है, तुम में कोई पावर नहीं है, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, और तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो, हम तुमको हमारी बिरादरी में कभी नहीं लेंगे। अरे यार ऐसे मत बोलो यार, सिर्फ यहाँ पे प्लेग्राउंड में खेलने ही तो आया हूँ, कोई मैं थोड़ी ना यार कुछ और मांग रहा हूँ तुमसे। नहीं नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, सही बोला ना भाइयों। अरे यार इसको कभी भी नहीं खिलाएंगे साथ में? अरे कभी भी नहीं खिलाएंगे, नेवर नेवर, इतने गरीब हल्क के साथ मैं कभी नहीं खेलूंगा, मेरी आंखें खराब हो जाएगी इसके साथ खेला तो। अरे यार ऐसे मत करो यार प्लीज। अरे बॉस ने बोल दिया ना इधर नहीं खेल सकता, चल यहाँ से दफा हो जा मोटा। अरे यार तुम तो मेरी तरह ग्रीन हल्क हो यार, तुम तो मेरी प्रॉब्लम समझो, अपने लोग के पास पैसा नहीं हो तो अपने गोल्डन हल्क जितना। अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है सरकार की नौकरी कर करके, पर यार सरकार मुझे तभी पैसे देते जब तेरे जैसे चुटकुलों को यहाँ से भगाता हूँ मैं, चल यहाँ से भाग। अरे मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ पे खेल के जाऊंगा आज तो भाई, जीत दे जी। अरे जीत कर रहा है, रुक जा तेरे ऐसे तैसे।
अरे यार ग्रीन भैया छोड़ दो यार, ऐसे क्यों पटक रहे हो? अरे यार मैं कमजोर हूँ, गरीब हूँ, इसके लिए तुम मुझे मार रहे हो? अरे हाँ मारेंगे, सरकार ने बोला है तो तुम्हारी धुलाई लगा देंगे। यहाँ पे आज के बाद से कभी भी मत आना, चलो यहाँ से दफा हो जाते हैं। अरे ऐसे तैसी यल है, चल हट यहाँ से। बॉस ने बोल दिया तो बस बॉस के एरिया के पास नहीं आने का। बॉस देखो मैंने उसको भगा दिया। अरे बहुत अच्छा काम किया। अरे गाइस यार कितनी ज्यादा धुलाई कर दी उसने तो मेरी ग्रीन हल्क ने, भाई कुछ भी लिहाज नहीं किया। गाइस देखो यार जैसा कि मैंने बोला था यार, मैं बहुत ज्यादा कमजोर और गरीब हूँ, इसके लिए सब जन अभी मेरा मजाक उड़ा रहे। पर गाइस देखो यार, अब ये वीडियो को खत्म करने से पहले मैं खुद को कन्वर्ट कर लूंगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा रिचेस्ट हल्क में, फिर यार मेरा कोई भी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। गाइस देखो अगर तुम्हें भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट हल्क बनना है तो तुम वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में रिच हल्क लिख दो, जिससे ना मैं तुम्हें एक रिच हल्क बना सकूं। अभी तो गाइस यार मेरे पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाली साइकिल है, पर देखना यार धीमे धीमे मैं खुद को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लूंगा और तो यार बहुत ही ज्यादा रिच भी बना लूंगा। अभी गाइस देखो सबसे पहले है ना मुझे मेरा वजन कम करना पड़ेगा। मैं अगर है ना एकदम स्लिम ट्रिम हैंडसम हल्क बन जाऊंगा तो ऐसे ही आधे लोग तो मेरा मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। और उसके लिए देखो मेरे पास ये परफेक्ट टूल है, मेरे पास ये साइकिल है। अगर मैं ये साइकिल को यहाँ से लेकर माउंट चिलियाड के टॉप पे, मतलब यार यहाँ तक लेकर गया, देखो यार कितने सादा किलोमीटर हो जाएगा। मैं श्योर हूँ यार कि मैं एकदम खतरनाक अपग्रेड हो जाऊंगा और फिर यार मेरा सारा वजन भी उतर जाएगा जब तक मैं माउंट चिलियाड पे पहुंचूं। तो चलो गाइस जल्दी से साइकिलिंग वाली ट्रिप को चालू करते हैं। मैं एक बार मेरा वजन कम कर लूंगा फिर मैं एकदम स्ट्रॉन्ग हल्क बन जाऊंगा, मेरी आंखें भी ठीक हो जाएगी और मेरा सूट भी अपग्रेड हो जाएगा। अभी देखो मुझे 6.5 किलोमीटर दूर लेके जाना है, मैं जल्दी जल्दी से इसको लेके जाना चालू करता हूँ। आज तो भाई मुश्किल वक्त कमांडो सख्त में बन के रहूंगा। यार हल्क तुम अपना वजन कर सकते हो कम, जल्दी साइकिल चलाते रहो। अरे शिनचैन थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। आओ यार हल्क कर लो वजन, तुम्हारे में ये पूरी हिम्मत है। अरे चॉप यार थैंक यू यार, तूने भी है ना मोटिवेशन दे दी। गाइस तुम भी कमेंट सेक्शन में यू कैन डू इट लिख दो, जिससे है ना मैं इस मोटिवेशन वाले टास्क को कम्प्लीट कर पाऊँ। देखो यार यहाँ पे है ना फैट लॉस का मेरा मीटर आ गया, धीमे धीमे यार मेरा है ना मीटर कम हो रहा है, मतलब यार मेरा फैट कम हो रहा है। धीमे धीमे फैट कम हो जाएगा फिर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क बन जाऊंगा। चलो 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 जल्दी से चलते हैं। अभी गाइस देखो जब तुमने लास्ट मुझे देखा था तब यार ये मेरे है ना माइल्स में 6 किलोमीटर बाकी था, अभी देखो 0.8 किलोमीटर ही बाकी है। पर यार यहाँ पे मैं पहाड़ों पे आ गया हूँ यार, मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा, अब तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। नहीं हल्क कर सकते तुम, ये कर लो करो, देखो सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा ही तो ऊपर जाना है। अरे हाँ थोड़ा सा ही ऊपर जाना है, पर यार यहाँ पे पहाड़ियों में साइकिल चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नहीं यू कैन डू इट। हाँ हाँ चलो गाइस यार देखो अपना वजन कम करके स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट हल्क बनना तो इतने पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। देखो यार मुझे है ना मेरी विल पावर पे पूरा भरोसा है कि ये कर दूंगा। चलो यार थोड़ा फटाफट से स्पीड में चलाना चालू करता। यार देखो तुम तो कितनी जल्दी जोर जोर से साइकिल पे है ना पेडल मार रहे हो, तुम ये पक्का कर लोगे हल्क? सिर्फ तुम्हें ऊपर तक पहुंचना है, फिर सोचो यार तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क बन जाओगे तो कितना ज्यादा मजा आएगा। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला गाइस, अगर है ना शिनचैन जैसा बोल रहा है मैं एक बार स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क बन गया तो कितना ज्यादा मजा आएगा, फिर यार बस मुझे रिचेस्ट बनने पे फोकस करना पड़ेगा। तो चलो यार यहाँ पे फटाफट से आगे जाते। अरे यार कितने ज्यादा पथरीले इलाके भाई, यहाँ पे सीढ़ी वीढ़ी लगा दी होती, सीढ़ी के आई मीन एलिवेटर लगा दी होती, लिफ्ट लगा दी होती तो लिफ्ट में साइकिल को रख के चला जाता। ऊपर तुम लिफ्ट में रख के साइकिल को जाते तो फिर पतले नहीं होते ना, फिर स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? अरे हाँ यार ये बात भी शिनचैन ने बहुत यार अच्छी बोली यार। चलो कोई बात नहीं यार, अभी शिनचैन की बात भी मानते। देखो गाइस आधे रास्ते तक तो मैं पहुंच चुका हूँ। अरे यार यहाँ पे एक भेड़ी भी आई है, मुझे खाने की कोशिश तो नहीं करेगी ना? नहीं 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 कर रही। पर गाइस यार देखो यार यहाँ पे है ना कितना यार अच्छी सीनरी है, यहाँ से पूरा लॉस सैंटोस दिख रहा है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे नीचे झील भी दिख रही है। बस यार देखो ये सीनरी को देखता देखता धीमे धीमे होपफुली है ना मैं ऊपर तक पहुंच जाऊंगा। तो हाँ देखो तुम ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गए, देखो तुम चांद के भी कितना करीब पहुंच गए। अरे हाँ गाइस देखो यार चांद भी दिख रहा है आज दिन में, पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। ये सब बातों को छोड़ो, बस यार यहाँ पे साइकिल मारनी है। तो यार देखो कितना फास्ट फास्ट जा रहे हो तुम तो। अरे हाँ यार अंदर से पता नहीं शिनचैन एकदम कैसे पावर आ गई है। ज्यादा फास्ट भी मत जाओ यार, पहाड़ से नीचे गिर के सारी हड्डियां टूट जाएगी, लेने का देना पड़ जाएगा। अरे नहीं नहीं लेने का देना नहीं करूंगा भाई। देखो गाइस यार मेरे को माउंट जिलियड की टॉप दिख रही है और एक बार बस मैं वहां तक पहुंच गया। और देखो गाइस यार ये मेरा फैट मीटर भी पक्का नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। एक बार ही नीचे चला गया ना फिर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आई 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 आई, अरे नीचे मत गिरना, नीचे मत गिरना। बस गाइस देखो यार अब दिल्ली दूर नहीं है, वहां पे से मुझे ऊपर तक जाना है। यू कैन डू इट, जल्दी 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 जाओ साइकिल के पेडल मारो। गाइस देखो पेडल 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 पेडल। गाइस यार देखो तुम्हारे पास कौन सी साइकिल है, तुम्हारी साइकिल का नाम मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ यार, कि तुम्हारे पास हीरो की साइकिल है यार कि किसकी साइकिल है। मेरी तो ये वाली साइकिल भाई बीएमडब्ल्यू की साइकिल है, बस यार ये बीएमडब्ल्यू की साइकिल ही, और कुछ भी बस बीएमडब्ल्यू का नहीं है। तो चलो छोड़ो गाइस यार यहाँ पे जाते। अब यार यहाँ पे शॉर्टकट ले सकता हूँ मैं, शॉर्टकट लूँ क्या? नहीं कोई शॉर्टकट नहीं लेना वरना वजन कैसे कम होगा। अरे हाँ ये भी बात सही है। चलो गाइस फुल स्पीड में यहाँ पे जा रहा हूँ। ये देखो यार यहाँ पे देखो ऊपर तक पहुंच गया और मेरा मीटर ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। यहाँ पे मैं जाते ही गाइस अपग्रेड हो जाऊंगा, ये बस मेरी जर्नी पूरी हो चुकी है और ये मैं पहुंच चुका हूँ माउंट चिलियड के टॉप पे। ओके गाइस ये देखो यार मैं यहाँ पे माउंट चिलियड के टॉप पे पहुंचा।
तो ये देखो यार मेरा सारा बॉडी का जो फैट था वो चला गया भाई, मेरी हाइट भी बढ़ गई और हो चुका हूँ मैं गाइस अपग्रेड। देखो यार इतनी सारी मस्कल्स बन गई है। अरे हल्क तुम तो कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। अरे थैंक यू यार। ओहो गाइस मेरे डोले शोले तो देखो, और यार मेरी सिक्स पैक एब्स भी आ गई है मेरे बैक पे, देखो इतनी सारी मसल्स आ गई है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यार, मुझे तो कितना बढ़िया अपग्रेड हो गया। गड़बड़ हो गई यार, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई। अरे क्या गड़बड़ हो गई, कौन बोल रहा है? क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे क्या हो गया यार, रुको गाइस, यार ये कौन है यहाँ पे? अरे यार फंस गया यार, यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा बर्गर खा लिए। अरे क्या हो गया दोस्त यार, यहाँ पे इतना परेशान क्यों रहा है? यार देखो गाइस क्या मस्त सोने की मिनी कूपर है यार इसके पास तो। अरे यार हाँ सोने की मिनी कूपर तो है, पर गाड़ी की एक तकलीफ है यार। अरे इस मिनी कूपर में क्या तकलीफ है यार, वो भी सोने की, इसका तो देखो स्टीयरिंग व्हील भी सोने का है। अरे मैं तुम्हारी तरह फिट एंड फाइन थोड़ी ना हूं एब्स वाला यार, देखो यार मेरा तो पेट ही मेरी गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा, मुझे यार घर पे वापस पहुंचना है। मैंने यहाँ पे पिकनिक में बहुत ज्यादा बर्गर खा लिया, वजन भर गया, अब ये गाड़ी के अंदर ही नहीं घुस पा रहा हूँ, क्या करूँ यार, मुझे घर जाना है, मम्मी की याद आ रही है यार। एक सेकंड ना मोटे सोनिक इधर ही खड़े रहना। गाइस देखो यार मेरे पास एक आइडिया आया है। देखो यार ये मोटे सोनिक के पास है ना यहाँ पे मिनी कूपर है, मैं एक काम करता हूँ यार, उसको जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि यार तू मेरी बाइसिकल ले ले। अब यार ये वाली बाइसिकल का कमाल तो तुमने देखा ही था भाई, मैं भी उसके जैसा एक मोटा हल्क था, फिर यार कितना ज्यादा अभी तो खतरनाक फिट एंड फाइन हल्क बच चुका हूँ। तो मैं काम करता हूँ उसके पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई तू मेरी साइकिल पे चला जा, इसको ऊपर तो पहाड़ पे लेके नहीं आना यार, नीचे तो फटाफट पहुंच ही जाएगा वो। और फिर यार मैं उसको बोलता हूँ कि उसकी ये वाली महंगी वाली गाड़ी मुझे दे दे, फिर यार मैंने एक साइकिल के बदले खुद के लिए है ना एक खतरनाक मिनी कूपर कर ली होगी। यार ये तो है ना गाड़ियों की ट्रेडिंग वाली वीडियो तो अभी तक मैंने सिर्फ यूट्यूब पे देखे, तो अभी पहली बार करूंगा यहाँ पे। अच्छा सोनिक एक बात सुन यार, मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है यार, तेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्या ऑफर है? देख यार तुझे मेरी बॉडी अच्छी लगती है क्या? अरे हाँ ब्रो बहुत अच्छी बॉडी है यार, एकदम मस्कुलर पॉपुलर स्पेक्टेकुलर बॉडी यार तुम्हारी। यार तू मानेगा कि अगर मैं तुझे बोलूंगा कि मैं भी थोड़े टाइम पहले तेरे जैसा एकदम मोटा ताजा था? क्या इतने ज्यादा मोटे थे तुम भी, फिर यार इतनी तगड़ी बॉडी कैसे बना ली? अरे यार ये वाली साइकिल देख रहा यार, ये खतरनाक देख हल्की साइकिल है, इस पे बैठ के है ना मैं 6.5 किलोमीटर साइकिलिंग करी और देख यार मैं तो सारा फैट लॉस कर लिया और एकदम खतरनाक अपग्रेड हो चुका हूँ। क्या तू भी चाहता है कि तेरे साथ भी ऐसा हो, तू भी एकदम मस्कुलर पॉपुलर स्पेक्टेकुलर सोनिक बन जाए? हाँ चाहता तो हूँ, पर यार ये साइकिल तुम मुझे फ्री में दे दोगे क्या? देख फ्री में तो दे दूता यार, तू मेरा अच्छा दोस्त है, मैं इतना काम कर देता, पर यार देख यार यहाँ पे अपने सिटी से कितना दूर है यार, मुझे भी तो घर जाना पड़ेगा ना। अरे हाँ बात तो सही है, तो एक काम करो ना तुम मेरी यार ये वाली मिनी कूपर ले लो, मैं तुम्हारी साइकिल ले लेता हूँ, दोनों का काम हो जाएगा, साइकिल पे तो पेट भी नहीं नड़ेगा। अरे हाँ चल ठीक है यार, तू बोल रहा है तो ऐसा कर लेते, पर यार मुझे मेरी साइकिल से बहुत ही ज्यादा प्यार है। अरे यार ये पूरी सोने की मिनी कूपर है, एक साइकिल तो दे ही सकते हो ना इसके बदले? अरे यार ऐसे दे तो नहीं सकता, पर यार तू अपना भाई है, चल ठीक है साइकिल ले जा। ओहो बहुत ही ज्यादा अच्छी डील कर ली मैंने तो, जल्दी जल्दी से साइकिल से है ना नीचे चलता। ओए बुद्धू वहाँ पे रास्ता नहीं है? अरे सोनिक के लिए तो सब जगह रास्ता ही रास्ता है, ही चलो। गाइस देखो यार अभी थोड़े टाइम पहले तो मैं मोटा था और मेरे पास सिर्फ साइकिल थी, अब तो मैं एकदम मस्त यार फिट एंड फाइन हो गया, और देखो यार मेरे पास ही सोने की मिनी कूपर बन गई है। पर गाइस यार ये गाड़ी को ट्रेडिंग करने वाला काम तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, अभी देखते हैं यार गाइस मैं ये मेरी बहन सोने की मिनी कूपर को ट्रेड करके मैं और कौन सी गाड़ी ले सकता हूं यार। आई एम वेरी श्योर कि कोई बहुत तगड़ी गाड़ी ले सकता हूँ मैं, चलो यार फटाफट से सिटी में लेके चलता हूँ मैं इसको। अभी गाइस देखो यार मैं मेरी गड्डी चलाता हुआ सिटी में तो आ गया, पर गाइस यार यहाँ पे सिटी में ट्रैफिक की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अरे यार ये देखो यार मैंने ट्रैफिक की बात करी और यहाँ पे देखो यार इतना बड़ा जाम लग रहा है भाई, इतनी सारी गाड़ियां आ रखी है और यहाँ पे पूरा इंटरसेक्शन जाम हो गया है। पर एक सेकंड गाइस यार यहाँ पे ये कौन आया भाई, ये तो कोई वीवीआईपी आया हुआ लग रहा है यार, देखो यार इसके पास तो रोल्स रॉयस है और इसके पास कितनी तगड़ी सिक्योरिटी भी है, पर यार वीवीआईपी हो या क्या हो भाई ट्रैफिक जाम में भागे कैसे जाएगा ये? पर यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, मेरी तो छोटी गाड़ी है, मैं तो अभी फुटपाथ पे भी चला के लेके जा सकता हूँ। अरे यार किस्मत ही खराब हो गई, कैसी गाड़ी है? अरे एक सेकंड तुम मिनी कूपर वाले इधर रुको। मेरे को बोल रहे हो? अरे हाँ इधर आओ, बॉस को तुमसे बात करनी है। अरे क्या हो गया यार, रुको यार गाइस देखो यार ये तो ट्रैफिक में सब जन अटके हुए, पर यार मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी गाड़ी वाला हूँ मैं तो। हाँ जी बोलो यार क्या हो गया यार। अरे सुनो यार इधर आओ मेरी बात सुनो। अरे क्या हुआ सर जी? यार बिलियनर सर बोलो क्या हुआ? मैं यार ये तुमसे तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। है मेरे से मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो? क्यों यार तुम्हारे पास तो मेरे से ज्यादा अच्छी रोल्स रॉयस है। अरे हाँ ये मेरी रोल्स रॉयस है, बहुत ज्यादा अच्छी यार, कितनी ज्यादा कंफर्टेबल भी है, पर यहाँ देखो पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, हम लोग यार यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे और मुझे बहुत एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। मैं तुम्हारी छोटी मिनी कूपर लेकर यार आगे चला जाऊंगा फुटपाथ से धीमे धीमे और बहुत ज्यादा करोड़ों का बिजनेस करके आऊंगा। बोलो क्या लोगे यार ये मिनी कूपर के बदले?
1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। भाई एक काम करो ना यार, देखो यार मुझे भी अभी इम्पोर्टेंट काम से जाना है यार, मुझे भी है ना ऐसे कॉफी बनाना जाना है, इसके लिए यार एक काम करो अपनी मिनी कूपर, मतलब मेरी मिनी कूपर के बदले मुझे अपनी रोल्स रॉयस दे दो यार, ये रोल्स रॉयस बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है मुझे। अरे नहीं नहीं उससे उतरो यार, ये रोल्स रॉयस 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है, तुमको पता है क्या कितनी ज्यादा महंगी है? अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, नहीं दोगे क्या? लास्ट ऑफर कितनी है? अरे लास्ट ऑफर तो सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। 10 करोड़ रुपए के लिए मैं मेरी प्यारी मिनी कूपर बेचूं, वो भी पूरे सोने की? छोड़ो यार गाइस, मुझे इनसे बात बात नहीं करनी। गाइस देखो मुझे पक्का पता है ये मुझे वापस से रुकने के लिए बोलेगा, क्योंकि इसको इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, ठीक है ना? नहीं दोगे ना अपनी गाड़ी? मैं तो जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं रुक जा यार, तुम तो भावुक हो गए, वापस इधर आओ। अरे क्या हो गया, चलो बताओ यार लास्ट ऑफर बताओ यार। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 20 करोड़ रुपए दूंगा, 20 करोड़ पूरे पूरे। अरे 20 करोड़ नहीं चाहिए भाई, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, देते हो तो, वरना मैं तो जा रहा हूँ। छोड़ो यार मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे को इतने इम्पोर्टेंट काम से जाना है। अरे अरे ठीक है भागो मत, रुको रुको, आई एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ले लो यार तुम मेरी रोल्स रॉयस ले लो अपनी मिनी कूपर के बदले। गाइस देखो यार, पहले मैंने साइकिल से है ना ये वाली मिनी कूपर ट्रेड कर ली, और अब यार ये मिनी कूपर के बदले मैं ये वाली यार मस्त यार रोल्स रॉयस लेके जा रहा हूँ। ठीक है तुम मेरी यार ये प्राइवेट सिक्योरिटी भी ले लो यार, गाड़ी के साथ जरूरत होती है वीवीआईपी होना। यार ये तो कितना ज्यादा स्मार्ट हल्क है यार, साइकिल से यार एक रोल्स रॉयस पर आ गया। चलो यार मैं तो मेरी बिजनेस मीटिंग करने निकलता हूँ। अब आप ही हमारे नए बॉस हो सर, बोलो क्या करना है? अरे मुझे कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ गाड़ी लेके। अरे नहीं सर ऐसा मत बोलो, आप चले जाओगे तब तो बेघर हो जाएंगे। अरे मुझे क्या यार, मेरे से क्या मतलब है, ये देखो मिनी कूपर वाले बॉस यार बढ़िया रखना। तो गाइस देखो यार मस्त सिस्टम घुमा दिया मैंने तो यार, यहाँ पे कार जाम था उसका फायदा उठा लिया, और यार अब मुझे मिल चुकी है गाइस कितनी ज्यादा महंगी रोल्स रॉयस भाई। अभी देखो यार रोल्स रॉयस से भी ज्यादा मैं महंगी और कौन सी गाड़ी में अपग्रेड हो सकता हूँ यार, सोचो तो सही गाइस। एक साइकिल से रोल्स रॉयस पर आ गया, ऐसे ही मैं खुद के लिए ना गाड़ियां ट्रेड करता रहा तो कितना ज्यादा मजा आ जाएगा भाई, एकदम अमीर बन जाऊंगा मैं। एक सेकंड यार एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ यार, यहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग आते हैं, यहाँ पे मुझे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जिसको मैं टोपी पहना सकूँ। चलो यार अंदर जाके चेक करते हैं। अरे कोई तो बुड्ढे की मदद कर दो। अरे एक सेकंड गाइस यार ये देखो यार यहाँ पे कौन से बुड्ढे अंकल खड़े, और गाइस यार इनके पास तो कितनी खतरनाक विंटेज गाड़ी है भाई, ये विंटेज गाड़ी तो कितनी ज्यादा बढ़िया है। रुको इनसे जाके बात करता। अरे बेटा मेरी मदद करोगे क्या? अरे अंकल जी क्या हुआ बोलो। अरे ये देखो यार मेरी यार ये विंटेज गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, मुझे नई गाड़ी खरीदने के मौका ही नहीं मिला कभी यार, ये गाड़ी को है ना किक मार के स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पुरानी है ना। अरे हाँ यार बात तो सही अंकल जी, यार रुको गाइस यार मैं देख बैठ के देखता हूँ क्या तकलीफ है। चलो यार इसमें चढ़ के देखता हूँ। ओह माय गॉड गाइस देखो तो सर यार, भले ये गाड़ी पुरानी है पर गाइस तुम्हें पता ही होगा ना एंटीक गाड़ियों की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। रुको यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अंकल जी सुनो यार, आपको ये गाड़ी वाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा मुश्किल तो होती होगी यार, इसमें गियर वेयर भी मारना पड़ता है, ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, और तो यार देखो यार इसको कितना ज्यादा मुश्किल है, और ये तो तेल भी बहुत ज्यादा खाती होगी यार, एवरेज नहीं देती होगी। अरे हाँ बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार, मेरी जवानी में गाड़ी ली थी है, उसके बाद मैं तो पैसे ही नहीं जोड़ पाया, इसके लिए यार यही वाली पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ। तुम्हारे जैसी किस्मत कहाँ जितनी लग्जूरियस रोल्स रॉयस में घूमूं। अरे गाइस देखो ये वाले अंकल को तो पता ही नहीं भाई इनके पास इतनी ज्यादा खतरनाक विंटेज गाड़ी है, ऐसी 10 रोल्स रॉयस आ जाएंगी अगर इसको बेचेंगे तो। गाइस एक काम करता हूँ, मैं इनको ऑफर देता हूँ कि है ना ये मेरी रोल्स रॉयस ले ले, और मैं उनके बदले ना इनकी विंटेज गाड़ी ले लूंगा भाई, फिर तो है ना बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। अंकल जी अच्छा सुनो यार, आप तो है ना मेरी दादा की उम्र के यार। अरे हाँ बेटा हूँ तो सरी। तो देखो यार मैं आपके कंफर्ट के लिए एक चीज करता हूँ यार, एक काम करो आप मेरी रोल्स रॉयस ले लो, देखो ये पूरी ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें कोई गियर वेयर नहीं डालना पड़ता, और यार पूरी मस्त एसी वेसी भी अंदर, इसे बैठ के मजे करना। अरे बेटा पर फिर तू क्या चलाएगा? अरे यार एक काम करो यार, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो यार ये वाली गंदी गाड़ी चलाने की मेहनत कर लूंगा। अरे क्या बेटा तुम ये मेरे लिए करोगे? अरे हाँ 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 ले लो वो वाली गाड़ी ले लो, मैं तो आपकी विंटेज गाड़ी चला लूंगा। अरे बेटा कितने ज्यादा प्यारे हो तुम तो यार, मेरी खराब गाड़ी लेके मुझे अपनी रोल्स रॉयस दे रहे हो। अरे वाह क्या मस्त एसी यार, मेरी गाड़ी में तो एसी भी है, और देखो यार इसको तो सिर्फ है ना मेरे को एक ही गियर में डालना पड़ता है, क्या मस्त स्पीड में भागती है। ओके गाइस देखो यार मुझे मिल चुकी है ये वाली खतरनाक विंटेज गाड़ी। भाई यार ये वाली गाड़ी तो देखो यार, भले इसके अंदर कोई नए मॉडर्न फीचर्स नहीं है पर यार इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। अब गाइस देखो यार मेरी जर्नी तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया जा रही है अमीर बनने की यार, मैंने एक साइकिल से एक मिनी कूपर ली, मिनी कूपर से रोल्स रॉयस, और अब मैंने ले लिया यार डायमंड की इतनी खतरनाक यार विंटेज गाड़ी। तभी देखो मुझे पता है ये विंटेज गाड़ी का बेस्ट यूज क्या होगा। गाइस देखो मैं सोच रहा हूं कोई बड़े अमीर आदमी को है ना ये गाड़ी गिफ्ट कर दूं, वो मेरा दोस्त बन जाए, वो मुझे सामने कुछ ना कुछ तो रिटर्न गिफ्ट देगा ही ना। मैं तो सोच रहा यार जल्दी से लॉस सैंटोस के सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी के पास जाता हूँ, और यार उसको ये गाड़ी गिफ्ट दूंगा, फिर वो मेरे से इंप्रेस हो जाएगा। चलो चलो यार उसके पास लेके चलता हूँ। तुम यार गैस करो कमेंट सेक्शन में कि मैं ये गाड़ी किसको गिफ्ट देने जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक आदमी कौन है जिसको मैं गाड़ी गिफ्ट दूंगा? जल्दी जल्दी से मैं उसके घर तक पहुंचू ना, उतना टाइम है तुम्हारे पास कमेंट सेक्शन में गैस करने के लिए। जिसने भी यार सही गैस किया ना उसको मैं कमेंट सेक्शन में है ना उसकी कमेंट को लाइक करूंगा, अगले वीडियो में उसे शाउट आउट दूंगा। तो जल्दी से यार बता दो यार कि तुम्हें क्या लगता है कि लॉस सैंटोस में सबसे ज्यादा डेंजरस आदमी कौन है जिसको मैं गिफ्ट देने जा रहा हूँ। तो गाइस देखो अभी भी तुमने
गैस नहीं किया तो लास्ट चांस है गैस करने का, क्योंकि इसके बाद तो यार सबको आंसर पता चल ही जाएगा। देखो तुम्हें पता है ना मैं किधर जा रहा हूँ। जी हाँ गाइस बिल्कुल सही बोला, मैं जा रहा हूँ फोर्ट ज़ेनकुडो मिलिट्री बेस। यार यहाँ पे है ना मिलिट्री कर्नल है, मैं उसको ये वाली गाड़ी गिफ्ट देने वाला हूँ जिससे वो मेरे से इम्प्रेस हो जाओ। स्टॉप 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 स्टॉप, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे गाइस देखो यहाँ तो मिलिट्री वालों ने मुझे रोक लिया है। अरे रुको यार, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं रिस्ट्रिक्टेड एरिया है? अरे हाँ सर जी मुझे पता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, पर देखो यार मैं मिलिट्री कर्नल के लिए इतना तगड़ा गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या तुम मिलिट्री कर्नल के लिए इतनी ज्यादा महंगी 1000 करोड़ की विंटेज गाड़ी लेकर आए हो उनको गिफ्ट देने के लिए? रुको मुझे सोचने दो, तुमको अंदर जाने देना चाहिए कि नहीं? अरे जाने दो, देख लो यार फिर मिलिट्री कर्नल कितना गुस्सा करेंगे जब उनको पता चलेगा कि मैं उनको इतनी महंगी गाड़ी गिफ्ट देने आया था और तुमने मुझे अंदर ना एंट्री नहीं लेने दी, इसके कारण को गिफ्ट नहीं मिला। फिर यार देखो यार मेरे को किसी और को गिफ्ट देने जाना पड़ेगा ये। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो मेरी टांगे तोड़ देंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है तुम अंदर जा सकते हो, रास्ता खोल दो। गाइस देखो ये गार्ड को तो मामू बना दिया, इसको एंट्री लेने के लिए मैंने कन्विंस कर लिया है। अभी जल्दी जल्दी से चलता हूँ मिलिट्री कर्नल से बात करने। अरे यार इनने तो रास्ता नहीं खोला था। अरे क्या हो गया गाड़ी यार, चल यार। गाइस बहुत ही ज्यादा पुरानी गाड़ी यार, इसको वर्किंग कंडीशन में मुझे उन तक पहुंचा देना चाहिए यार, वरना फिर यार वो बोलेंगे कि अच्छी गाड़ी नहीं दी मैंने उनको। गाइस ये देखो यार मिलिट्री कर्नल तो यहाँ पे सामने खड़े भाई अपने पूरे काफिले के साथ। यार क्या खतरनाक सिस्टम है यार इनका तो। रुको यार जल्दी जाता हूँ। अरे कौन आया है हमारे मिलिट्री बेस में? अरे कर्नल जी गुस्सा मत करो यार, देखो मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया। आलम बना तुस्ती ग्रेटो, तोहफू कबूल करो। अरे क्या तोहफा लेकर आया है? मेरे को क्या दे सकता है? लॉस सैंटोस का सबसे डेंजरस और खतरनाक आदमी हूँ। देख मेरे पीछे कितने सारे सैनिक खड़े हैं, कितनी खतरनाक गाड़ियां हैं, मुझे क्या चाहिए तेरे से? अरे एक बार देखो तो सर यार, 100 ईयर ओल्ड यार, इतनी खतरनाक आपके लिए गाड़ी लेकर आप इसमें घूमोगे तो क्या जलवा हो जाएगा आपका यार। अच्छा रुको यार चेक करता हूँ, अगर मुझे गिफ्ट अच्छा नहीं लगा तो रॉकेट पे बांध के चांद पे फेंक दूंगा। अरे नहीं 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 ऐसे मत करना यार। गाड़ी तो देखने में तो बहुत ही ज्यादा सटीक लग रही है, बहुत ही स्टाइलिश हेडलाइट्स है, पुराने जमाने की भी है और यहाँ पे पीछे बैगेज भी है। चलो ठीक है यार, हमें तुम्हारा गिफ्ट अच्छा लगा। रुको यार मैं मेरे सोल्जर्स के साथ इसकी टेस्ट ड्राइव करके देखता हूँ, वरना मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। अरे गाइस देखो यार ये मिलिट्री कर्नल इसकी टेस्ट ड्राइव कर रहा, अगर इनको ये गाड़ी अच्छी नहीं लगी ना तो मेरा है ना ये तो भेजा खोल देंगे। पर यार इतनी अच्छी गाड़ी यार इनको अच्छी क्यों नहीं लगेगी? अरे वाह वाह देखो इसमें तो मेरे सैनिकों के लिए अब आजू में खड़े रहने की भी जगह है। अरे हाँ हाँ बहुत तगड़ी गाड़ी यार, देखो एकदम मस्त यार स्टाइलिश लिखोगे, तुम्हारा जब जाएगा यहाँ पे क्या खतरनाक सिस्टम हो जाएगा। अरे हाँ गाड़ी तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है। अरे ये क्या हो गया, थोड़ा बैलेंस गड़बड़ कर दिया हमने, पर कोई बात नहीं, मेरे पास सैनिकों की कमी थोड़ी है, जल्दी से वापस से लटको। अरे हाँ बॉस लटक रहे, एक सेकंड रुकिए यार, आपने हमारी टांगे तोड़ दी। अरे टांगे तोड़ने की कंप्लेंट मत करो, अभी चांद पे बांध के भेज देंगे तुम्हें। अरे हाँ हमें पता है। तो गाइस देखो आई थिंक यार मिलिट्री कर्नल को तो मेरा गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। अरे हाँ ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, और देखो यार ये वो लगता है बॉम्ब प्रूफ भी है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लास्ट में घुसे फिर भी सेफ बच गए। बहुत अच्छी गाड़ी लेकर आए हो तुम हमारे लिए, हम तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए, हम तुम्हें कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं। क्या तुम मुझे कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हो? हाँ जल्दी मुझे सोच के बताओ क्या रिटर्न गिफ्ट लोगे? मेरे पास इनफाइनाइट पैसे है, इतनी सारी गाड़ियां है, सब कुछ है, सोल्जर्स है, बोलो क्या लोगे? अब गाइस देखो यार ये वाली गाड़ी के बदले यार मैं इनमें से कोई भी मिलिट्री की गाड़ी मांग सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये तो 10,000 करोड़ की मिलिट्री की एक्सपेरिमेंटल गाड़ी है, और यार यहाँ पे दूसरे सारे भी बहुत सारे ट्रक्स है। पर गाइस देखो मैं एक बात सोच रहा हूँ, मैं कब तक गाड़ियों के पीछे भागूंगा भाई, मुझे है ना गाड़ियों को थोड़ी अपग्रेड करना है, मुझे तो एक हल्क को अपग्रेड करना है। तो मिलिट्री कर्नल से ना एक काम करता हूँ, 1000 करोड़ रुपए कैश मांग लेता हूँ, वो दे ही देंगे यार, उनके लिए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। फिर मैं इतने सारे पैसों से क्या काम करूंगा, खुद को अपग्रेड कर लूंगा। ठीक है चलो इनसे मांगता हूँ। अरे मिलिट्री कर्नल बात सुनो, मैंने क्या गिफ्ट लेना है तुमसे सोच लिया। अच्छा क्या गिफ्ट लोगे? एक काम करो यार मुझे ना 1000 करोड़ रुपए दे दो। व्हाट तुम्हें 1000 करोड़ रुपए चाहिए? क्या तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? अरे ज्यादा लग रहे क्या? माफ कर दो। अरे नहीं सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ रुपए ही मांगे तुमने, मेरे को तो लगा था और भी कुछ ज्यादा मांगोगे, ये तो मेरे लिए कुछ भी बात नहीं है। ठीक है ये लो तुम्हारे पैसे। गाइस देखो यार मुझे तो मिलिट्री कर्नल ने डराई दिया था भाई, मुझे लगा था गुस्सा करेंगे, पर देखो यार मुझे तो 1000 करोड़ रुपए दे दिए, और ये देखो इससे यार मैंने खुद को अपग्रेड कर लिया इतने खतरनाक मेस्ट्रो दद्दू हल्क में, और उसमें तो देखो मैंने यार मिलिट्री का ना एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी भी लगवा दी है यहाँ पे पीछे। देखो यार ये मिलिट्री की एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी लगने के बाद तो यार एकदम मस्त लग रहा है यार। देखो यार ये वाले जो टेंटिकल्स है इसके साथ साथ मुझे उड़ने की भी पावर्स मिल चुकी है, कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा हूं मैं तो। पर गाइस देखो यार अभी है ना मेरी स्ट्रांग बनने की तो है ना जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी, मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका, पर देखो यार मुझे है ना अभी और थोड़ा ज्यादा रिच भी बनना है, जिससे मैं यार जो वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे हल्क मिले थे मैं उन सब लोगों को मजा चखा सकूं। अभी देखो यार मुझे पता चला है कि वो एक कंपटीशन में सारे जन मिलकर आया यार, जिससे है ना वो लोग है ना बहुत सारे पैसे जीत सके और काफी ज्यादा एंजॉय कर सके। मैं सोच रहा हूं कि मैं मेरा नया वाला सूट लेके उनके पास चले जाऊं और भाई उनकी हवा निकाल दूं, वहां पे जाके फिर सब लोग मुझे मान जाएंगे कि मैं ही सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट और रिचेस्ट बन चुका हूं। तो चलो यार मैं जल्दी से वहीं पे चलता हूं। ओके गाइस तो देखो यार इन लोगों का मजाक खराब करने आ गया, ये लोगों ने तो खुद के ऊपर थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करी, खुद को अपग्रेड नहीं किया, पर भाई
मैंने तो खुद को धुआंदार अपग्रेड कर दिया है। हेलो जी, मैं यहाँ पे कंपटीशन के लिए आ चुका हूँ। ओए चलो सब जन यहाँ पे आ गए तो कंपटीशन को शुरू करते हैं। अरे पर एक सेकंड यार, ये तो चीटिंग हो रही है, ये दद्दू हल्क यहाँ पे कैसे आ गए? ये दद्दू हल्क नहीं है, ये तो अभी अभी यहाँ पे अपग्रेड होकर आया है भाई। ये भी तुम्हारे जैसे छोटा कम उम्र का हल्क है। अरे चीटिंग हो रही है, चीटिंग। अरे कोई चीटिंग नहीं हो रही, मैं वही मोटा हल्क हूँ यार जिसको तुमने यहाँ पे सुबह खिलौनों पे से खेलने नहीं दिया था। अरे इतना ज्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग और रिच हो गया तू? मैं तो नहीं मानता तू वही है। अरे तू मान ना मान, मैं तो तेरा मेहमान। अरे नहीं, हम सबका तो पोपट होने वाला है। अरे नहीं नहीं, मैं इस मोटे को हरा के रहूंगा। अरे हाँ, मैं भी हरा के रहूंगा। और मैं तो इस सब भी रिच हूँ, सोने का हल्क हूँ मैं। और ये सब बातें छोड़ो और कॉम्पिटिशन पे ध्यान दो। अरे हाँ हाँ, कॉम्पिटिशन पे ध्यान दो। आए तो देखो यार, यहाँ पे तुम्हारे लिए हमने इंतजाम किया, जैसी गाड़ी तुमको चाहिए वैसी गाड़ी का। और उसके बाद तुम्हें करना है ये वाला रेस कोर्स का चैलेंज। तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना और ये सारे ऑब्स्टेकल्स को डॉज करते करते आगे जाना है। उसके बाद यार ये घूमते हुए प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस करना है। उसके बाद यहाँ पे अग्नि परीक्षा देके आगे जाना है। उसके बाद तुम्हें पहाड़ को चढ़ना है, ये है ना गोल गोल घूमती हुई, सारी बिल्डिंगों से बचना और ये सारी दूसरी ऑब्स्टेकल्स को डॉज करते करते तुम्हें ये वाले जंप वाले पोर्शन पर आना है। जो भी फिर यहाँ पर आके पहुंचा और यहाँ पे फाइनल स्पॉट पे पहुंचा, उसको यहाँ पे मिल जाएंगे इतने सारे डायमंड्स और वो अपग्रेड हो जाएगा लॉस सैंटोस के सबसे ज्यादा रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क में। अरे मैं ही जीतूंगा, मैं जीतूंगा। अरे तुम सब में से कोई भी नहीं जीतेगा। ओए चलो बात करनी कम करो और कंपटीशन ज्यादा खेलो। चलो ब्लैक हल्क तुम्हारी बारी। अरे पहले कंपटीशन खत्म करना है क्या? सबसे खतरनाक ट्रक लूंगा मैं तो। ये देखो यार, ये हरी वाली जो ट्रक है इसको लूंगा मैं। अरे इतनी बड़ी ट्रक, तुझे पता है ना ये ट्रक लेगा तो तू डिसएडवांटेज में होगा। अरे नहीं नहीं, मैं डिसएडवांटेज में नहीं, सबसे बड़े एडवांटेज में होगा। इतनी बड़ी ट्रक है, सोच कितनी पावर होगी इसमें, मजा आ जाएगा इसको तो चलाने में, तब कॉम्पिटिशन जीत जाऊंगा मैं। हा हा हा, ये देख सबको कुचलता कुचलता आगे जा रहा हूँ। अरे बावले हमको मत कुचरना। अरे गाइस देखो यार, मुझे तो लगता है इसने बहुत ज्यादा गलत डिसीजन लिया ये वाली ट्रक लेके। यार ये वाली ट्रक बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी कॉम्पिटिशन के लिए। अरे तुझे कुछ भी पता नहीं है, मैंने लाखों करोड़ों रुपए जीते कॉम्पिटिशन जीत जीत के। अच्छा गाइस, अब वो तो देखो टाइम ही बताएगा कि ये है ना कॉम्पिटिशन जीत पाता है कि नहीं। देखो यार यहाँ पे ये फुल स्पीड में ही आगे जा रहा है। अभी देखो यार इसकी तो फुल स्पीड कितनी ज्यादा लो है। अरे यहाँ पे तो क्लियरेंस ही नहीं है, एक काम करता हूँ साइड में से जाता हूँ। अरे साइड में से, पर ये तो ऑब्स्टिकल को अवॉइड करके जा रहा है। अरे कोई चीटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो जाऊंगा। चल मेरे राही, चल राही, चल मेरे राही। अरे अभी देखो अभी क्या करेगा भाई, इसके तो पहिए इतने ज्यादा चौड़े, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। अरे ये तो सही बोला, गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, मेरी ट्रक में बहुत पावर है। अरे पावर कहाँ गई? अरे पर तेरे पहिए जमीन पे नहीं छूटेंगे तो पावर कहाँ से आएगी? अरे नहीं नहीं, आ रही आ रही है। देखिए ट्रक को तो मैं आगे लेके जाऊंगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया, मेरा तो सिस्टम फेल हो गया यार। मुझे तो लगा था मैं जीत जाऊंगा। अरे मुझे तो ये ब्लैक हल्क वैसे भी बिल्कुल नहीं पसंद था, बहुत ज्यादा ना कमेंट करता था। देखो यार मैं तो ये वाली पिंक कलर की ट्रक लूंगा, पिंक कलर की ट्रक बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। अब गाइस देखो यार, ये वाली पिंक कलर की ट्रक वो वाले ट्रक से थोड़ी ज्यादा छोटी है, पर यार इसकी भी साइज आई थिंक बहुत ही ज्यादा बढ़िया है कॉम्पिटिशन के लिए। अरे तू है ना, तू सिर्फ चलता है कि तेरी ट्रक इतनी ज्यादा सुंदर नहीं है, इसके लिए तो मेरी ट्रक के बारे में उल्टी पुल्टी चीजें बोल रहा है। अरे नहीं नहीं यार, मैं तो चाहता हूँ कि सब जन जीते। अरे ऐसा क्यों चाहेगा तू, तू तो हमको हराना चाहता है, मोटे हल्क चल यहाँ से दफा हो जा। अरे गाइस देखो यार, मैं तो इनको अच्छा बनने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी यार ये लोग तो मुझे गंदा गंदा चीजें ही बोल रहे हैं। ठीक है भाई, तुमको ये ट्रक लेके जानी है तो जाओ यार, यहाँ पे तो गाइस आई थिंक बाइक लेनी चाहिए, बाइक सबसे ज्यादा अच्छी होती है। अरे छी छी छी, बाइक कौन चलाते, गरीब लोग थोड़ी ना। अरे ऑलमोस्ट नीचे जाते जाते गिरा, पर यार मैं बच जाऊंगा, देख मैंने तो बोला ही था ना। अरे तू यहाँ पे बच जाएगा, पर अभी नेक्स्ट आगे तो जाके बता। अरे ये देख यार, मेरी ट्रक का यार सबसे ज्यादा खतरनाक सिस्टम है मेरी ट्रक में, ये देख क्या मस्त फटाफट उड़ते उड़ते आगे जा रही है। अरे गाइस देखो, इसकी ट्रक तो सच्ची में भाई कितनी ज्यादा टेलीपोर्ट होते होते आगे आ गई। अरे सिस्टम में सिस्टम, मैंने तो बोला ही था ना, ये देख यहाँ पे भी आ गया। ओहो ये कॉम्पिटिशन तो मैं ही जीतूंगा। अरे ट्रक क्या कर रही यार, अरे टेढ़ी हो गई दीदी, कैसे करूं? अरे यार गाइस देखो, इतनी बड़ी ट्रक को ये चला कैसे रहा है, मुझे तो पता नहीं यार, मैं तो चला ही ना पाऊ। चलो अभी देखते हैं ये अग्नि परीक्षा दे पाता है कि नहीं। अरे अग्नि परीक्षा देने के लिए तो ये ट्रक लिए। अरे ये क्या हो रहा है, ट्रक ऊपर ही नहीं जा रही। अरे तेरे तो लगता है ट्रक का सारा तेल खत्म हो गया। अरे ये तो मैं भूल ही गया था, ट्रक तो एवरेज ही नहीं देती। अरे गाइस इसकी ट्रक का इतना कम एवरेज है, इसका सारा पेट्रोल ही खत्म हो गया, ये तो ऊपर ही नहीं जा पा रही, अब क्या करेगा ये? अरे नहीं नहीं, कुछ तो कर ही लूंगा, एक काम करता हूं धक्का मार के लेके चला जाता हूं। अरे नहीं, मेरी ट्रक भी नीचे गिर गई। और रैपिंग हल्क दोनों ही बुद्धू थे, अब मैं असली लीडर हूँ जो गोल्डन हल्क है, मैं जाऊंगा, मैं इनको बताता हूँ क्या होता है। ये देखो मैं तो लेकर आया हूँ यहाँ पे इतनी मस्त वाली मेरी मॉन्स्टर ट्रक। अरे बाबूजी यार, तुमने भी थोड़ी छोटी गाड़ी ली, पर यार इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चलेगी यार, छोटी बाइक लो। अरे बाइक तो गरीब लोग चलाते हैं, हम बड़े लोग हैं, हम बड़े लोग बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं।
अरे बड़े लोगों बड़ी गाड़ियां चलाओगे, पर यार तुम इतनी ज्यादा बड़ी गाड़ी चलाओगे कि रैंप ही नहीं कर पाओगे, ऐसा थोड़ी होगा। अरे नहीं, ये गाड़ी में एडवांस टेक्नोलॉजी है तो समझेगा नहीं तो गरीब है ना बहुत ज्यादा। अरे क्या गरीब क्या अमीर की बात होती है यार, कॉम्पिटिशन जीतने में तो गाइस देखो यार इन लोग के पास ज्यादा पैसा है ना, तो इनको लगता है कि भाई ज्यादा महंगी गाड़ी से कॉम्पिटिशन जीत जाएंगे, पर देखो ऐसा नहीं होता है। ये देखो यार इसने भी ये गाड़ी ली है भाई, कैसी बुद्धू जैसी गाड़ी ली है। अरे पर मेरी गाड़ी तो देख हवा में उड़ सकती है। अरे गाइस सच्ची में देखो इसकी गाड़ी तो हवा में उड़ रही है, कितना फटाफट आगे जा रही है। अरे मैंने तो बोला था ना गाड़ी को हवा में उड़ा के पहुंचा देंगे। अभी देख यार यहाँ पे जो पिंक हल्क जहाँ पे फेल हुआ था यहाँ पे भी हमारी गड्डी तो आसानी से चढ़ गई। और यार यहाँ पे इतना तगड़ा आर्मर है मेरे पास कि यार ये अग्नि परीक्षा तो आराम से दे दूंगा मैं। एक बात बता, यहाँ पे बाइक पे आएगा तो तुझे आग नहीं लग जाएगी? अरे हाँ गाइस इसकी बात तो सही, यहाँ पे बाइक पे आओ तो आग तो लग जाएगी, पर यार फिर भी यार आई थिंक यार बाइक ही सबसे ज्यादा बेस्ट व्हीकल होगा ये चीज को कम्प्लीट करने के लिए। देखो यार ये इसमें से निकल रहा है, देखो यार ये तो टनल्स में से पहुंच गया। अरे अब मेरे ट्रक का जलवा देखेगा तो। अब देखो यार अभी इसके पास ट्रक में 1 2 3 4 5 6 छह व्हील्स है यार, तो मतलब इसकी 6 व्हील ड्राइव तो इसको यहाँ पे एडवांटेज तो मिलेगा। अरे पर इसकी ट्रक तो देखो यार बार बार डिसबैलेंस होकर उल्टी हो जाती, क्योंकि यार ये तो ऑफरोडिंग के लिए बनी है, पे रैंप चैलेंज करने के लिए थोड़ी बनी है। अरे इट्स नॉट द कार इट्स द ड्राइवर बुद्धू जी, अभी देखो मैं तुमको चला के बताता हूँ इस ट्रक को। अरे पर यार सही बात है यार, थोड़ी मुश्किल तो हो रही है इसको चलाने में। अरे वो मुश्किल तो होगी ना, गाड़ी को बैलेंस कैसे करोगे यार? अरे कर लूंगा, यू डोंट वरी अबाउट मी, तुम वरी अबाउट योरसेल्फ। अरे हाँ आई वरी अबाउट माई सेल्फ, पर यार देखो यार। अरे क्या हो गया? अरे ट्रक का ब्रेक ही नहीं लगा। अरे इतनी भारी गाड़ी थी, ब्रेक ही लगाना भूल गया मैं तो। अरे चलो अब ये सारे बुद्धू हल्के यहाँ से साइड में हो गए, तब मेरी बारी आएगी। अरे ग्रीन हल्के यार तू तो स्मार्ट है ना, तू तो कुछ अच्छा व्हीकल लेगा ना। अरे हाँ क्यों नहीं, ये देखो यार मैं तो ये ब्लू कलर की लाफरारी लेकर आया था, सब लोगों को पता भी नहीं चले ना कि मेरी गाड़ी है, इसके लिए मैंने इसको ब्लू करवा लिया था। ये देखो गाइस इसमें दिमाग यार, ये एक स्पोर्ट्स कार लेकर आया, देखो भाई स्पोर्ट्स कार की तो क्या धुआंधार स्पीड से आगे जा रहा है। अरे तूने अभी मेरी स्पीड देखी नहीं है, ये गाड़ी में स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों है। अरे हाँ गाइस देखो यार ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर सिर्फ स्पीड ही नहीं स्टेबिलिटी भी हो, देखो यार इसको कैसे हवा में उड़ा रहा है ये तो। अरे मेरे को पता ही था ये लोगों से कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए यार मैंने छुप छुप के ये प्लान बना लिया था जिससे मैं लॉस सैंटोस का रिचेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल हल्क बन जाऊं। अरे यार ये लोग तो देखो गाइस अभी तो है ना साथ में घूमते थे, सब लोग दोस्त बनने की एक्टिंग करते थे, पर देखो यार अभी जब टाइम आया तब यार ये सब लोग एक दूसरे को धोखा देते थे। सबसे पहले यार वो ब्लैक हल्क गया, तो अब ब्लैक हल्क ने गड़बड़ कर दी, तो उसके बाद पिंक हल्क ने उसकी बुराई करी, फिर पिंक हल्क के बाद जब ना गोल्ड हल्क गया तब यार उसने है ना पिंक हल्क की बुराई करी और ब्लैक हल्क की बुराई करी, और अब देखो यार यहाँ पे ग्रीन हल्क जा रहा है तो ये अपने सारे दूसरे दोस्तों की बुराई कर रहा है। भाई ये लोग मतलब असली दोस्त ही नहीं है भाई, असली दोस्त थोड़ी खुद के साथ ऐसा करता है जैसे तुम लोग मेरे असली दोस्त हो यार, तुम लोग थोड़ी मेरे बारे में कभी कुछ खराब बोलते हो, तुम तो हमेशा हल्क से प्यार करते हो। अरे असली दोस्तों की नहीं पैसे की जरूरत है मुझे सिर्फ। अरे नहीं नहीं यार ये तो गलत बात है, भले यार एक स्ट्रॉन्ग हल्क बनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर यार पैसों की थोड़ी सारी वैल्यू होती है यार, कैसी गलत बात है। अरे देखते हैं ना, वो तो जब तू मेरे से हारेगा तब तू अपने दोस्त रख लेना, मैं मेरे पैसे रख लूंगा। हा, 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 हा। ये देख क्या गाड़ी को हवा में उड़ा रहा हूँ, कितना ज्यादा मजा आ रहा है। अरे हाँ गाइस मानना तो पड़ेगा ये भाई साहब गाड़ी को उड़ा तो बहुत अच्छा रहे, और गाइस इसी स्पीड से उड़ाते रहना तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर यार ये तो कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा। अरे हाँ कॉम्पिटिशन तो मैं ही जीतूंगा। ओ यार लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है कि ये ग्रीन हल्क की कंपटीशन जीतने वाला है। अरे नहीं यार यार दबंग हल्क तुम तो मेरी साइड रहो यार, तुमने देखा ना ये सब लोग कितने बुरे लोग हैं। ओए अब मैं क्या करूँ यार, बुरा और अच्छा जज करना मेरी बात नहीं यार, मैं तो सिर्फ कंपटीशन का विनर डिक्लेयर करने आया हूँ। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला दबंग हल्क, तुम तो सिर्फ कॉम्पिटिशन का विनर डिक्लेयर करने आए हो, और वो तो मैं ही बनूंगा। चलो फुल स्पीड से आगे चलो। अरे एक सेकेंड मेरी गाड़ी को क्या हो गया? अरे यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक ज्यादा लगा दिया और ये देखो मैं तो पानी में गिर गया। नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं कितना करीब था रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क बनने के। देखो गाइस ये सब कार्टूनों की बारी आ गई, दबंग हल्क कब मैं जा रहा हूँ। देखो यार ये सब लोग तो एलिमिनेट होगा, अगर मैंने रेस कॉम्पिटिशन जीत लिया तो मैं बन जाऊंगा ना लॉस सैंटोस का सबसे रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क। बिल्कुल सही बोला यार, तेरे पास तो देख यार ये एडवांस टेंटिकल वाला सूट भी है, इसका इस्तेमाल कर लेना खुद की बैलेंस बनाने के लिए। पर क्या तू सच्ची में इतना खतरनाक चैलेंज बाइक पे कंप्लीट करेगा? अरे हाँ हाँ बाइक पे यार ये चैलेंज कंप्लीट होगा। देखो यार बाइक को कंट्रोल करना गाइस सबसे ज्यादा आसान होता है। ये देखो यार अभी यहाँ पे मैं गाड़ी में होता ना तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, पर यार यहाँ पे अभी मैं बाइक पे हूँ तो मुझे प्रॉब्लम कम हो रही है। और देखो कैसे हवा से बातें करते करते मैं यहाँ पे आ गया, उन सब लोगों को टेलीपोर्ट की पावर इस्तेमाल करनी पड़ रही थी, पर मुझे कोई भी टेलीपोर्ट वेलीपोर्ट कुछ भी यूज नहीं करना पड़ रहा, मैं सिर्फ मेरे टेंटिकल से हवा को थोड़ा सा बेंड कर लेता हूँ जिससे मेरा थोड़ा सा ना हवा में बैलेंस बन जाए। अरे यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो रही है? कोई बात नहीं गाइस, देखो थोड़ा सा बैलेंस गया था पर वापस से बना लिया, अभी फुल स्पीड में यहाँ पे आगे जा रहा हूँ। आउच 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 बहुत ज्यादा
गर्म लगा था, पर यार यहाँ पे जो मिलिट्री कर्नल ने मुझे स्पेशल यार मिलिट्री की सीक्रेट टेक्नोलॉजी दी थी उसके कारण यार मेरे को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है यार। ये अच्छा वाला हल्का सूट है मेरे पास। अब यार देखो अगर मैं यहाँ से एंड तक पहुंच गया तो मैं बन जाऊंगा रिचेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क। तो गाइस देखो तुम लोग चाहते हो कि अगर मैं रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क बन जाऊं तो भाई तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा सिंपल काम है मेरे पास तुम लोग को। बस यार अभी तक भी तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये देखो गाइस यार यहाँ पे रैम पे इसको तो फर्स्ट पर्सन में करेंगे, कितना ज्यादा मजा आ रहा है गाइस। ऐसा लग रहा है अपनी गाड़ी चला रहे। ओ ओ ओ ओ गाइस यहाँ पे तो भाई छोटा सा खड्डा था भाई, मैंने देखा भी नहीं। और यार यहाँ पे देखो जंप आ रहा है, कितना ज्यादा थ्रिलिंग लग रहा है यार फर्स्ट पर्सन में तो ये करने में। ओए 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 ऑलमोस्ट गाइस नीचे गिर गया था, कोई बात नहीं अभी नीचे नहीं गिरा यार, मैं यहाँ पे फुल स्पीड में आगे जा रहा हूँ। अरे यार यहाँ पे जो मैंने है ना थोड़ी सी चीजें पहन रखी है वो आंखों में सामने आ रही है। अरे 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 गाइस देखो यार इसको ऑब्स्टिकल करना, अरे एक्सीडेंट हो गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार यहाँ से निकल गया। हाश हाश कितना ज्यादा मजा आ रहा है गाइस। आई थिंक यार मुझे ज्यादा फ्रेम से ना फर्स्ट पर्सन में ही करने चाहिए। ये देखो यार यहाँ से मैंने एंट्री ली, यहाँ से एग्जिट ली। अरे यहाँ पे मेरी बाइक थोड़ी देर के लिए फंस गई थी। और यार गाइस कितना ज्यादा मजा आ रहा है, रुको यार वापस से फर्स्ट पर्सन में जाता हूँ। अब यार यहाँ पे देखो यहाँ पे चढ़ना, यहाँ पे तो मैं थर्ड पर्सन में ही रहता हूँ यार, क्योंकि यार गड़बड़ कर दूंगा फिर ज्यादा धीमे हो जाएगा। तो फिर यार अब तो मेरे को रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट भी तो बनना है ना, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। ओए हाँ जल्दी जल्दी कॉम्पिटिशन कम्प्लीट करो, फिर मुझे पनवेल भी निकलना है। अरे हाँ हाँ दबंगल यार मुझे पता है तुमको बहुत ज्यादा है ना विलन से लड़ाई करने का इंपॉर्टेंट काम हो जाए, तुम्हारे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो मैं यहाँ तक तो ऊपर तक तो पहुंच ही गया। अब गाइस देखो यहाँ तक तो ग्रीन हल्क आ गया था, अभी देखो मुझे यहाँ पे एक फटाका धड़ाभड़ जंप मारना पड़ेगा। ये देखो गाइस मैं यहाँ पे पहुंच कर आ गया, अरे बॉम्ब पे लैंड हो गया। अरे नहीं टी मत करो भाई, बॉम्ब फटना नहीं सकता भाई, अभी यहाँ पे से मुझे आगे जाना है, अभी तो बहुत काम करने मुझे। गाइस देखो यहाँ पे वापस से फर्स्ट पर्सन में आ गया, नीचे देखो आ रहा हूँ। अरे अरे ये बॉल्स आ रहे यार, ये मुझे ठोक के ऐसे गिराना चाहते हैं, पर यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओए 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 क्या हो रहा है गाइस यार, कितना क्रेजी रैंप यार ये तो। अभी देखो यहाँ पे भी जंप लेना है, और यार ये वाला जंप भी मैं सक्सेसफुली ले ही लूंगा ना। अरे हाँ ले लिया। ओए होए होए ओए गाइस ये देखो यार ये ट्रकों के बीच में जो छेद आ रहा है उसमें से मुझे निकलना है। ये देखो यार यहाँ पे फुल स्पीड में निकलता जा रहा हूँ। और यार ये क्या है भाई यहाँ पे तो बॉल जंप करना, ये देखो वापिस से फर्स्ट पर्सन में आ गया। ओ अरे गाइस देखो कैसे हिल रहा है यार। अरे यार मैं तो पूरा उल्टा हो गया, ये बाइक की पूरा ट्रैक्शन खो दिया। और ये देखो यार यहाँ पे जंप मार के आ गया मैं। अरे गाइस मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा भाई, मैंने वो कर ट्विस्टी लूपटी लूप कैसे कर लिया भाई, बहुत ही डेंजरस था। और यार वो तो इतना अच्छा आज तक बाइक पे किसी ने नहीं किया था, सब जन तो अल्टो में करते हैं उसको। अरे वो मौत के कुआं की दीवार की जैसा है भाई, अल्टो में करना बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होता है। पर यार मेरे पास तो अगेन ये मिलिट्री कर्नल का टेक्नोलॉजी है ना, इसके लिए मुझे तो कोई मुश्किल नहीं पड़ रही। ये देखो गाइस यार यहाँ पे जा रहा हूँ, अरे यहाँ पे आ गया। अब देखो यार मुझे ये वाली दीवार से चिपक के चलना है, और देखो यार यहाँ पे भी चिपक के मैं यहाँ पर आ गया। अरे गाइस बस यार थोड़ा सा और देर आगे तक जाना है, मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा फिर बन जाऊंगा रिचेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। आए हाँ पुत्र जी बन जाएगा तो रिचेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। ये देखो गाइस यहाँ पहुंच गया। एंड गाइस ये देखो यार मैं तो बन चुका यार गोल्डन सूट वाला दद्दू हल्क। यार अब तुम्हें पता ही होगा ये वाले जो दद्दू हल्क है सबसे ज्यादा रिचेस्ट भी और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। तो यार मेरी तो जर्नी यहाँ पे पूरी हो चुकी है गाइस, यार कितना ज्यादा रिच और खतरनाक हो गया। अभी देखो यार पहले मैं मोटा हल्क था यार, फिर मैंने है ना खुद को पतला करने के लिए मेरी साइकिल का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद यार मैंने कार्स की बहुत सारी ट्रेडिंग करी। साइकिल से मैं मिनी कूपर पे आया, मिनी कूपर से रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस से विंटेज गाड़ी, विंटेज गाड़ी से है ना उसको फिर मैंने कर्नल को गिफ्ट करके इतने ज्यादा पैसे कमा लिए। उसके बाद जिन लोगों ने मेरा है ना मजाक उड़ाया था उन सब लोगों को मैंने चखा दिया ये कंपटीशन में, और मैं जीत के बन चुका सबसे ज्यादा रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क। तो गाइस यार देखो मेरी है ना एक पुअर से है ना रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क की स्टोरी तुम्हें पसंद आई हो तो तुम भी वीडियो को जल्दी से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगवा के जाना स्कूल जैसे कि यार कौन वीडियो देखना है कौन नहीं। तुम जब तक कमेंट सेक्शन में अपना रोल नंबर और नाम नहीं लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग वीडियो देख के गए हो। तो चलो गाइस देखो यार मैं तो जा रहा हूं यार अपने खतरनाक 1 करोड़ रुपए के मैंशन में अपने सोने के प्लेन में। तो यार अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो देखना और भी, और ये देखो स्क्रीन वाला वीडियो जो आ रहा है ये भी बहुत अच्छा, इसको भी देख लो। तो मैं मिलूंगा GTFAG के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।